स्टील एक्सचेंज इंडिया पिछले 5-6 दिनों से लगातार लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगाए पड़ा है। आखिर माजरा क्या है, आइए जरा समझते हैं क्या है असली वजह स्टील एक्सचेंज इंडिया के स्टॉक के गिरने की। देखिए, रिजल्ट अच्छा आया है कंपनी का, इनका स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है वो 2% के आसपास बढ़ा है जून के क्वार्टर में। सेल्स बल्कि काफ़ी अच्छी राइज हुई है, 35% से ज़्यादा राइज हुई है, 360 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स आई। अब सेल्स तो अच्छी है पर फिर भी मार्केट में स्टॉक क्यों गिर रहा है? देखिए यहाँ पर आगे अगर देखें सेल्स के प्राइस डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस और भी तेजी से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट अभी पिछले 6 महीनों में स्टील का भाव अपने पीक से करीब 60% गिर गया है, $6,000 पर मैट्रिक टन से गिरकर अभी $3,800 पर मैट्रिक टन चल रहा है। तो इसके चलते हुए यहाँ पर पैट में थोड़ा सा दिक्कत आई है और जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ है तब से इसमें गिरावट ज़्यादा है। स्टॉक स्प्लिट में सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है, लोगों को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इस बात को समझिएगा, ये है कारण असली। टैक्स बेनिफिट के लिए लोगों ने जो शुरू में खरीदा था अब उनको बेच रहे हैं, तो जब यहाँ पर सेलिंग चल रही है और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी बाय नहीं कर रहा है तो इसलिए लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगे पड़ा है। यहाँ पर पोस्ट स्प्लिट लोग बाग अपना टैक्स एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी जल्दी ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। जो सपोर्ट है वो टेक्निकल बेसिस पर बताएंगे, पर रिटेल निवेशक समझिए 2% ज़्यादा आपको निवेश नहीं करना है एक स्मॉल कैप में। आइए जरा चलकर देखते हैं आज का इसका क्या भाव चल रहा है। एक चैलेंज ये भी है कि इनके पास में प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 100% प्लेज की हुई है, 50% के आसपास होल्डिंग है जिसमें से 100% इनकी प्लेज है। 17.05 रुपये के आसपास इसका भाव चल रहा है। अभी देखिए यहाँ से कई दिन तक ऑपरेशन चलता रहा 23 तारीख से और जब से शेयर क्रेडिट हुए हैं तब से लोग बाग इसको बेचना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर 17 रुपये के आसपास आ गया है। बुलिंजर बैंड के आसपास लग रहा है, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन और नीचे गिरेगा और यहाँ पर फिर संभलने की कोशिश करेगा। अगर किसी वजह से 15 रुपये के आसपास नहीं रुकता है तो फिर जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो करीब 12 रुपये के आसपास रहेगा इसका। देखिए 50-डे मूविंग एवरेज तो इसका 17 रुपये का है जो हमारे हिसाब से टूट चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर 50-डे मूविंग एवरेज जो 200-डे मूविंग एवरेज देख रहा था पहले वो 13 रुपये के आसपास है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम करेगा अब इसका, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी टाइम से फॉलो किया हुआ है। सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल जनरेट, RSI लेवल 37 जो कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारी कॉपीज को ट्रेड करना है तो हमारी ट्रेड्स के बेसिस पर करना है उनको कॉपी, तो 299 का पेड मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। ट्रेनिंग करनी है तो मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद जय भारत।